नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है। दोस्तों, tutorialwebsite.com की तरफ से मैं आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम रजिस्टर फॉर्म बनाते हैं और कैसे इसका ये जो हमने रजिस्टर फॉर्म बनाया था इसमें हम कैसे वैलिडेशन यूज़ किया था, जो नेम पे वैलिडेशन, ईमेल पे वैलिडेशन और पासवर्ड पे कैसे हमने वैलिडेशन यूज़ किया था उसके बारे में हमने देखा था। और मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि हमने यहाँ जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन यूज़ किया था, जहाँ पे हमने वैल्यू गेट करके चेक कराया था कि वैल्यू नल तो नहीं है, ईमेल आईडी नल तो नहीं है, पासवर्ड नल तो नहीं जा रहा, या लेंथ कम तो नहीं है पासवर्ड की, 4 अंक से। इस तरह से हमने वैलिडेशन लगाया था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे हम जो वैल्यू है वो डाटाबेस में इंसर्ट कराते हैं, मतलब कि हम कैसे रजिस्टर पेज की जो भी वैल्यू हमारी है अभी, ये हम कैसे इसको डाटाबेस में इंसर्ट कराएंगे। उसके पहले चलते हैं डाटाबेस की तरफ, और सबसे पहले हम एक नया डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम ईएमएस के नाम से हम डाटाबेस बनाते हैं और क्रिएट कर दिया। तो आप देखिए, यहाँ पे हमारा ईएमएस नाम का एक डाटाबेस क्रिएट हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हमें एक रजिस्टर टेबल बनाना पड़ेगा। तो रजिस्टर टेबल बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ जिसका नाम यूजर्स यूजर्स रखता हूँ टेबल का। ठीक है, अब इसमें जो हमें फील्ड कितने कॉलम चाहिए, बाय डिफॉल्ट 4 कॉलम यहाँ पे भी शो कर रहा है, तो हम गो पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ 4 कॉलम आ जाएगा शो के। तो 4 कॉलम आप यहाँ देख रहे हो दोस्तों, एक तो नेम का हो गया, एक तो ईमेल का हो गया, एक पासवर्ड का, एक डिपार्टमेंट का, और एक हमें यूजर की ऑटोमेटिक आईडी भी चाहिए। तो हम चलते हैं, सबसे पहले हम यूजर की बाय डिफॉल्ट जो आईडी होती है, यूजर अंडरस्कोर आईडी हम रख लेते हैं, वो इंटीजर वैल्यू डिफाइन करते हैं और 255 लेंथ हम डिफाइन करते हैं। और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ऑटो इंक्रीमेंट कर देंगे क्योंकि ये ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो रहा होता रहेगा, और इसको हम प्राइमरी भी बना देते हैं साथ ही साथ। तो ये है कि प्राइमरी और ऑटो इंक्रीमेंट क्या है, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा प्राइमरी की है क्या होती है और ऑटो इंक्रीमेंट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब एक तो हो गया यूजर आईडी, अब दूसरा लेते हैं हम नेम, NAME, इसको हम वर्कर डिफाइन कर देते हैं, और इसकी जो लेंथ होती है वो 1000 कर देते हैं। फिर दूसरा है ईमेल आईडी, अब ईमेल आईडी भी बना लेते हैं, ईमेल ईमेल इसकी हमने भी इसको भी हमने वर्कर डिफाइन कर दिया। उसके बाद आता है हमारा पासवर्ड, इसको भी हमने वर्कर डिफाइन कर दिया, इसकी भी लेंथ हमने डिफाइन कर दी 1000। अब ये है हमें चाहिए क्या, डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट के लिए तो स्पेस बचा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड का ऑप्शन यहाँ दिख रहा होगा, वहाँ पे वैल्यू बढ़ा देते हैं। अभी हमको 2 और रिक्वायर्ड चाहिए, तो 2 मैंने कर दिया। फिर गो पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे 2 फील्ड और बन के आ जाएंगे आपको, जिसमें डाटा इंसर्ट करानी होगी। जैसे ये 2 फील्ड आ गए, अब मेरे को चाहिए डिपार्टमेंट की। ठीक है, डिपार्टमेंट, ठीक है। अब ये चाहिए कि क्रिएटेड अकाउंट, कब क्रिएट हुआ ये अकाउंट, किस डेट में ये अकाउंट क्रिएट किया गया, इसके लिए तो इसको भी हम दे देते हैं वर्कर 1000, और इसको हम दे देते हैं, इसको हम बाय डिफॉल्ट जो है डेट टाइम ही दे देते हैं, टाइम स्टैम्प। तो इसमें क्या, हमें वैल्यू पास कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, टाइम स्टैम्प अगर हमने डिफाइन कर दिया तो हमें वैल्यू भी डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब नीचे आते हैं, इसको सेव कर देते हैं। हमारे यहाँ पे हमने इसको सेव कर लिया, सेव पे क्लिक किया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारा यूजर नाम का टेबल क्रिएट हो गया, और उसके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर हैं, मतलब जितने भी हमने डिफाइन किए, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ दिख गई। ठीक है, इस तरह से हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब आते हैं कि ये हमारा फॉर्म था जिसमें हमने रजिस्टर फॉर्म बनाया था, ये हमारा फॉर्म यहाँ से यहाँ तक, ये तो सबमिट पेज है। ठीक है, ये तो सर्च का था, ये ऊपर हेडर का। अब हम आते हैं यहाँ, हमारा रजिस्टर फॉर्म यहाँ से स्टार्ट है। हम इसके पहले कमेंट दे देते हैं, आपको कमेंट देने के बारे में मैंने बता ही रखा है कैसे होता है। हम इसको रह देते हैं रजिस्टर फॉर्म स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ठीक है, इस कमेंट को कंप्लीट करके इसको बंद कर दे, इस तरह से हम कमेंट लिखते हैं। ठीक है, और ये जहाँ एंड हो रहा है वहाँ पे एंड भी कर देते हैं। अब यहाँ पे हम कमेंट कर देते हैं इस फॉर्म REG
IESTER फॉर्म एंडेड एंड हेयर, ठीक है। इस तरह से हमारा ये फॉर्म का हमने कर दिया। अब इस फॉर्म की जो भी डाटा है इसको इंसर्ट कराने के लिए यहाँ पे हम एक एक्शन यूज करते हैं, एक्शन का यूज करते हैं, एक्शन बाय डिफॉल्ट ब्लैंक। और हमें जैसे है कि ये तो फॉर्म हो गया, अब हमें डाटा इंसर्ट कराने हैं, तो उसके लिए हम एक पीएचपी फाइल बनाएंगे जिसपे हम इंसर्ट की क्यूरी लगाएंगे। लगाने के लिए तो आप इस पेज पे भी लगा सकते हो, ऊपर की ओर ऊपर में लगा सकते हैं, बट वो थोड़ा ना आपको क्रिटिकल हो जाएगा, अभी समझने की में परेशानी आ जाएगी। तो एक वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आगे चल के ये चीज़ भी मैं बता दूंगा कि ऊपर में हम कैसे सेम पेज पे यूज करते हैं, बट अभी के लिए हम दूसरे पेज पे चलते बनाते हैं। उसके लिए हम एक नया पेज ले लेते हैं, ठीक है। इस पेज को ले लिया हमने, अब इसको हम इस पर एक डाटाबेस कनेक्शन बनाते हैं सबसे पहले। तो डाटाबेस कनेक्शन के लिए मेरा कोड मैंने पहले बना ही रखा है, जो हम पिछले वीडियो में जो मैंने बनाया था उसी कोड को मैं यूज कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बंद करते हैं, अब इसको सेव कर लेते हैं। इसमें हम सेव करते हैं, इंसर्ट नाम डालते हैं, इंसर्ट यूजर डॉट पीएचपी का नाम, ये ना इंसर्ट यूजर डॉट पीएचपी के नाम से हम इसको सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से मैं बता दूँ, एक बार रिव्यू करा देता हूँ। होस्ट हमारा लोकल होस्ट है, यूजर नेम हमारा रूट है क्योंकि हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं, पासवर्ड ब्लैंक होता है जैम्प में अगर आप लोकल होस्ट पे काम कर रहे हो। यहाँ पे हमें डाटाबेस की बात आएगी, डाटाबेस हमारा प्रीवियस ट्यूटोरियल था, लेकिन अब जो हमारा डाटाबेस क्या है, ईएमएस। तो हम यहाँ पे नाम चेंज कर देंगे, ईएमएस कर देंगे इसका, और इसको सेव कराएंगे। तो सेव करा देंगे, ये डाटाबेस कनेक्शन हमारा क्लियर है। अब आती है इंसर्ट की क्यूरी, तो उसके लिए पहले हम कमेंट यहाँ लिखते हैं कि कौन सी क्यूरी चला रहे हैं। अब हम लिखते हैं इंसर्ट क्यूरी फॉर रजिस्टर पेज। दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये कमेंट लिखो ही, बट ये लिखने से एक फ़ायदा ये होता है कि कल को अगर आप कोड देखोगे खुद का कोड तो समझने में आसानी होती है, इसलिए हम इसको लिखते हैं उस, ठीक है। तो एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया क्यूरी का, अब हम यहाँ पे इंसर्ट की क्यूरी लिखेंगे, लेकिन इंसर्ट की क्यूरी की लिखने से पहले हम चलते हैं फिर वापस इस फॉर्म में आए। आपको इस फॉर्म में अब क्या करना है, मैंने आपको जो फॉर्म बनाया था इसमें हमने एक्शन दिया था, तो एक्शन का मतलब यह है कि जैसे अभी फॉर्म सबमिट हो रहा है, तो आप देख रहे हो कि सेम पेज पे जैसे ही फॉर्म में आप डाटा डाल रहे थे, जैसे मैंने ये डाला पासवर्ड डाला 1 2 3 4 5 कुछ भी, और मैं सबमिट कर रहा हूँ, तो मेरा सेम पेज पे रिडायरेक्ट हो रहा है। हो रहा है अगर मैं यही एक्शन, क्योंकि एक्शन मैंने ब्लैंक रखा है, अगर मैं एक्शन दे देता हूँ तो जिस पेज का एक्शन दूंगा उस पर ये डाटा और पेज फॉरवर्ड होगा या रिडायरेक्ट होगा कह सकते हैं। तो हम इसके लिए किसको देते हैं, इंसर्ट जो हमने जिस पेज पे हम डाटाबेस का काम कर रहे हैं, इंसर्ट यूजर डॉट पी एच पी। अब इसको हम सेव करते हैं, अब आप देखोगे एक बार को मैं इसको कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब जा रहा है या नहीं जा रहा है। मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश कीजिए पेज को, एक बार रिफ्रेश करते हैं, दोबारा से हम इसको सेलेक्ट करते हैं और पासवर्ड डालते हैं, अब इसको सबमिट करते हैं। तो आप देखो इंसर्ट डैश यूजर डॉट पी एच पी पे ये पास होने लगा, यानी कि इसकी जो भी वैल्यू है अब यहाँ पे हमारी पास होने लगेगी, ठीक है। तो अब आते हैं वापस हमारा इंसर्ट क्यूरी पे, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ है, जैसे ही हमारी यहाँ तक तो सही है, अब जैसे ही इस फॉर्म की वैल्यू यहाँ पास होती है, मतलब इंसर्ट पे रिडायरेक्ट हो रहा है, तो वैल्यू उसकी जो पोस्ट मेथड हमने यूज किया है, आपको ये दिखा दे यहाँ हमने क्या है पोस्ट मेथड यूज किया है। अगर ये हम गेट मेथड यूज करते हैं तो क्या होता है, गेट में और पोस्ट में आपको डिफरेंस तो पता ही होगा, फिर भी मैं आपको बता दूं क्या हो? अभी पोस्ट मेथड में आपने देखा यूआरएल पे गई, आपने सबमिट किया तो कोई वैल्यू पास नहीं हो रही थी, जैसे ही हम गेट कर देते हैं, गेट मेथड अगर मैंने यूज कर लिया, तो आप देखो जैसे ही सबमिट करूंगा देखो सारी यूआरएल ऊपर पास हो रही है, इनपुट नेम ईमेल पासवर्ड डिपार्ट जो भी हमने नाम दिया है फील्ड का, जैसे इसका मैंने दिया था इनपुट नेम, इसका ईमेल दिया था, इसका पासवर्ड दिया था, इसका डिपार्ट दिया था। तो ये चीज़ें आपको ये जो भी वैल्यू यहाँ पे सबमिट हो रही है वो यहाँ पे यूआरएल में पास हो रही है, क्योंकि हम सिक्योरिटी के पर्पज़ से काम करते हैं रजिस्टर पेज में, ताकि डाटा किसी को दिखे नहीं और ये सिक्योर रहे, इसीलिए हम यहाँ पे जो मेथड यूज़ करते हैं वो पोस्ट का यूज़ करते हैं, ताकि किसी को दिखे नहीं बट डाटा जो है तो वो इस पे पास होता है, इस वैल्यू पे पास होगा। तो उसके लिए सबसे पहला जो हमारा सबसे जो बेस्ट पार्ट होता है वो हम पहले चेक करते हैं कि डाटा आ रहा है कि नहीं। अब जैसे कि हमारा सबमिट है, ये हमारा इनपुट फॉर्म है, ठीक है, बटन टाइप हम सबमिट लिए हुए हैं,
ठीक है। अब इसको सबमिट करेंगे तो हम एक वैल्यू चेक कराएंगे कि वो वैल्यू मिलनी चाहिए। जैसे मेरे पास ईमेल है, ठीक है, मैं चेक कराऊंगा सबसे पहले यहाँ इफ सेट। आपको देखोगे जब हम पीएचपी में कोडिंग करते हैं ना, तो उसको हम चेक कराने के लिए इफ का जो कंडीशन हम तो लगाते ही हैं, इफ का मतलब आपको पता ही है, इफ हम का है हमेशा कंडीशन चेक कराने के लिए रहते हैं। तो इफ हम चेक करते हैं कि ये जो हमारा इफ इज सेट होता है, मतलब इसका हुआ कि हमारी वैल्यू जो भी हम यहाँ से पास कर रहे हैं, जो वैल्यू है पास कर रहे हैं, सपोज मुझे ये देखना है कि ये अगर ईमेल सेट है, मतलब ये वैल्यू है, तब तो डाटा सही है, इसके अंदर डाटा आएगा। अगर ये नहीं है तो रिडायरेक्ट हो जाएगा वापस इसी पेज पे, रजिस्टर पेज पे हैं। तो हम यही चेक कराने के लिए हम यहाँ लिखते हैं इफ इज सेट, और पीएचपी में वैल्यू गेट करने का जो फंक्शन होता है ये होता है, रिक्वेस्ट आप कर सकते हो या पोस्ट कर सकते हो, आपको पता ही होगा। और गेट मेथड और गेट का यूज करते हैं। अगर नहीं पता है तो इसको आप पहले पढ़ लीजिए प्रीवियस वीडियो में। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, रिक्वेस्ट हमने कर लिया, किसकी रिक्वेस्ट, ईमेल आईडी हम चेक करेंगे। यहाँ नेम ईमेल है, तो यहाँ से हम जो वैल्यू पास करते हैं वो नेम होता है, यहाँ पे पास कर दिया। अब हम चेक करेंगे कि अगर ये है, तो मैं आपको चेक कराता हूँ, अगर ये हमारा सेट है तो हमें क्या यहाँ पे प्रिंट हो, वहाँ पे दिखे, वहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिखनी चाहिए। अगर ईमेल की वैल्यू पास हो रही है फॉर्म के थ्रू, तो वहाँ पे दिखना चाहिए डाटा फाउंड, डाटा फाउंड। और अगर नहीं है, इफ के बाद इल्स कंडीशन होता है, तो हम यहाँ पे होना चाहिए डाटा नॉट फाउंड, वहाँ पे इको प्रिंट होना चाहिए डाटा नॉट फाउंड। अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है, अब सेव कराते हैं। अब हम वापस इसके बैक जाते हैं अपने फॉर्म पे और रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। अब फिर हम इसमें वैल्यू पास करते हैं, पासवर्ड देते हैं, और हम इस बार एसईओ करके ये कर लेते हैं। अब हम पास करते हैं, तो आप देखो यहाँ पे क्या आया, आपका डाटा फाउंड आ रहा है, मीन्स कंडीशन हमारा ट्रू हो रहा है। यहाँ पे जो कंडीशन हमने लगाया वो ट्रू हो रहा है, मीन्स ईमेल आईडी की वैल्यू हमारी आ रही है। अगर यही चीज़ हम करते यहाँ से, अगर कुछ ब्लैंक रखते तो आता डाटा नॉट फाउंड, लेकिन यहाँ पे क्या हमने वैलिडेशन ऑलरेडी लगा रखा है, तो ब्लैंक वैल्यू तो हमारी यहाँ से जाएगी ही नहीं, सबसे बड़ी बात। तो हमें एल्स कंडीशन का कोई ज़्यादा सोचना ही नहीं है, अभी हम इफ के कंडीशन में ही चलते हैं। अब यहाँ पे हो गया कि ईमेल आईडी आ रही है, जब ईमेल आईडी आ रही है तो पहले हम सारी वैल्यू गेट करेंगे। तो सबसे वैल्यू जो हमारी आनी है वो क्या आएगा, नेम, उसके लिए फिर डॉलर अंडरस्कोर, फिर कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं जो भी लिखते हैं, ये पोस्ट, ये जो हमारा होता है ये फॉर्मेट होता है डाटा गेट करने का। पोस्ट मेथड अगर आपने फॉर्म में यूज किया हुआ है, यहाँ पे अगर ऊपर जो फॉर्म हमने बनाया है इसमें हमने पोस्ट मेथड यूज किया है, तो पोस्ट मेथड यूज किया है तो हमारा यहाँ पे हमेशा पोस्ट मेथड यहाँ लिखा जाएगा अंडरस्कोर पोस्ट, और अगर गेट यूज किया होता तो यहाँ अंडरस्कोर गेट होता, तो हमारा पोस्ट है। और उसके बाद जो फॉर्म जो इनपुट फील्ड है उसका नाम, यानी कि नेम, और यहाँ पे हमने इनपुट नेम लिखा है, तो वहाँ पे आएगा इनपुट नेम। सेम कॉपी करते हैं इसी का, दूसरा फील्ड हमारा क्या है, ईमेल का है, उसके बाद पासवर्ड का है, उसके बाद डिपार्टमेंट का है, ठीक है। तो अब यहाँ पे गेट करते हैं ईमेल, और यहाँ पे फिर फॉर्म में जाते हैं, रजिस्टर फॉर्म में जाओगे आप तो यहाँ पे देखो नेम जो है ईमेल आईडी का, ईमेल के लिए हमने फॉर्म का नेम ईमेल ही रखा है, फिर यहाँ पे ईमेल कर देते हैं। उसके बाद हमारा है पासवर्ड का पास, और यहाँ पे पासवर्ड के फील्ड में हमने नाम क्या डाला है, पासवर्ड डाला है, तो हम ये नेम कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पे नेम डाल देते हैं, ठीक है। अब चौथी वैल्यू हमारी क्या बचती है, डिपार्टमेंट, डिपार्ट, ठीक है। और यहाँ से हमारा देखते हैं, इसमें रेडियो बटन है, रेडियो में नेम हमने क्या लिखा है, डिपार्ट ही रखा हुआ है, तो हम यहाँ पे चलते हैं, हमने डिपार्टमेंट लिख दिया। अब यहाँ पे इसको सेव कर दिया। अब ये डिपार्टमेंट हमारी वैल्यू, अब जितनी भी वैल्यू है वो सारी यहाँ पे पास हो रही है, मतलब अब ये जो वैल्यू है हमारी शो होंगी। अगर आप टेस्ट के लिए देखना चाहो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, सबके आगे मैंने इको कर देता हूँ एक बार, तो ये जो भी है वैल्यू सारी शो हो जाएंगी, ठीक है। इको जेड वापस आते हैं, इको इको, अब इसको सेव किया। अब दोबारा चलते हैं फॉर्म पे, रिफ्रेश करते हैं फॉर्म को। अब यहाँ से डालते हैं नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, 1 2 3 4 5 मैंने डाला, अब इसको सबमिट कर देते हैं।
तो आप देखो यहाँ पे आपका नाम आ गया प्रदीप, ये ईमेल आईडी प्रदीप जी को webkyotechnology@gmail.com, उसके बाद ये हमारा पासवर्ड आ गया 1 2 3 4 5, और ये हमारा डिपार्टमेंट की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हमारी सारी वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है, तो इसको फिर हटा देते हैं। यहाँ पे था वापस डिपार्टमेंट सेव किया, ठीक है, अब इसको बैक जाते हैं। तो दोस्तों अब बात आएगी कि हमारी यहाँ वैल्यू आ तो गई, अब आती है कि इसको इंसर्ट कराना है। तो इंसर्ट कराने के लिए आपको पता है प्रीवियस में भी मैंने ऑलरेडी बता ही रखा है कि सबसे पहले हम एक क्यूरी का वेरिएबल लेते हैं क्यूरी के नाम से, और यहाँ पे हम अपनी क्यूरी लिखते हैं। तो क्यूरी कैसे लिखते हैं, आपको पता है कि क्यूरी लिखने का तरीका होता है इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम हमारा यहाँ पे क्या है, टेबल नेम जो हमने यहाँ डाटाबेस में बनाया वो किस नाम से बनाया, ये बनाया है यूजर्स के नाम से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजर्स, सॉरी कैपिटल में नहीं स्मॉल में लिखेंगे, याद रखिएगा यूजर्स, ठीक है, इंसर्ट इनटू यूजर्स। अब फील्ड का नाम जो भी है हमारा है, हमारा फील्ड का नाम यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे देखेंगे यूजर अंडरस्कोर आईडी, सबसे पहला फील्ड जो है हमारा यूजर अंडरस्कोर आईडी है, हम लेते हैं। यहाँ पे हम एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम कॉमा नहीं लगाते हैं, सॉरी कोटेज नहीं लगाते हैं, यूजर अंडरस्कोर आईडी कॉमा। दूसरी हमारी क्या है, दूसरी वैल्यू है नेम, तो यहाँ पे इसको हम ये लगा सकते हैं इसमें। ये अब कहाँ से आएगा, यहाँ पे जब आप जाओगे, आप अगर अपने कीबोर्ड पे जाओगे तो सबसे ESC जो बटन होता है सबसे ऊपर में टॉप में, उसके जस्ट नीचे वाला जो है उसको की प्रेस करोगे तो इस तरह से कोटेज अपने आप वहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा इस कोटेज में हम क्या डालेंगे, हमारी दूसरी वैल्यू क्या है, नेम है, दूसरा हम डालेंगे नेम, ठीक है। फिर तीसरा सेम कोटेज लगाया, उसके बाद आता है नेम के बाद हमारा आता है ईमेल आईडी, तो ईमेल है वहाँ पे ईमेल। उसके बाद जो वैल्यू आती है फॉर्म में, कौन सी वैल्यू इंसर्ट करानी है, ईमेल के बाद पासवर्ड, उसके बाद पासवर्ड पास WORD पासवर्ड, ठीक है। इसके बाद कौन सी है ये देखते हैं, उसके बाद है डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट की वैल्यू यहाँ से कॉपी करते हैं ताकि गलत ना हो। इसके बाद हम वही सेम कोटेज लेते हैं और इसको डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर एक और फील्ड हमारे पास बचता है, यहाँ बचता है, लेकिन दोस्तों यहाँ हमने टाइम स्टैम्प लिया था, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि हमने यहाँ टाइम स्टैम्प ले लिया है टाइप में, ठीक है। तो इसके लिए हमें वैल्यू पास कराने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो करंट डेट जो होगा और टाइम होगा वो ऑटोमेटिक वहाँ से लेगा, ठीक है। तो उसके साथ फिर हमारी जो होती है, उसके बाद ऑप्शन होती है वैल्यूज, ये तो हमारे फील्ड का नेम हो गया इंसर्ट इनटू यूजर्स, यूजर्स के ये फील्ड हो गए, उसमें जो वैल्यूज अब आएगी, वैल्यूज वैल्यूज कौन कौन सी इंसर्ट होनी है, पहला यूजर आईडी, यूजर आईडी हमने यहाँ पे आप देखोगे हमने ऑलरेडी इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर रखा है और प्राइमरी भी बना रखा है, इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिक वैल्यू इंक्रीमेंट होता रहेगा वन से, तो हम इसको ब्लैंक रखते हैं। दूसरी वैल्यू हमारी क्या है, नेम, तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू उठा लेते हैं, कॉपी करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं भी। उसके बाद कौन सी वैल्यू हमारी है, ईमेल, तो ईमेल के लिए क्या है, डॉलर ईमेल हमने लिख लिया, एक सेकेंड, ये स्मॉल होना चाहिए ईमेल, फिर 12 है कॉमा सिंगल कोटेज, उसके बाद हमारा क्या है, डॉलर पासवर्ड, डॉलर पासवर्ड, ठीक है, फिर कॉमा, फिर उसके बाद कौन सी वैल्यू आएगी, डिपार्टमेंट, यानी कि डॉलर DEPART, ठीक है। ये हमारी क्यूरी हो गई, अब इस क्यूरी को रन भी करना है, तो PHP में रन कराने के लिए एक मान लो मैंने हम यहाँ पे लिया इंस रिजल्ट की, रिजल्ट के लिए RES मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, अब उसके लिए माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर क्यूरी, क्यूरी फंक्शन होता है जो कि हमारे डाटाबेस को रन कराता, जो जो हमारी क्यूरी को रन कराता है, उसके लिए सबसे पहले हमारा क्या होता है, कनेक्शन को ओपन करना होता है। तो ऊपर में हमने कनेक्शन यहाँ पे जब बनाया था, तो ये देखिए माई एस क्यू एल अंडर स्कोर कनेक्ट फंक्शन का यूज किया था कनेक्शन के लिए, तो हम इसको कनेक्शन को हमने एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया था। तो
तो उस वेरिएबल को यहाँ डिफाइन करते हैं ताकि कनेक्शन हमारा ओपन हो जाए। उसके बाद जो हमारा दूसरी है वो हमारा क्यूरी है, मतलब क्यूरी स्ट्रिंग जिस वेरिएबल में है उस वेरिएबल को हम यहाँ पास कर देते हैं, फिर कंट्रोल एस करते हैं। दोस्तों ये कोई ज़रूरी नहीं है आपको कि ये जो क्यूरी स्ट्रिंग है ये इस एक वेरिएबल में अलग ही डिफाइन करना पड़े, आप चाहें तो सेम टू सेम ये के पूरा कॉपी करके आप डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि आप यहाँ लिखते हो तो बहुत बड़ा हो जाता है और थोड़ा समझने में भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने शॉर्ट मतलब अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया ताकि समझने में आसानी हो। तो ये हमारा क्यूरी हो गया। अब हम यहाँ से चेक करते हैं इफ स्टेट के, अब यहाँ पे हम एक चीज़ चेक करेंगे कि हमारा रिजल्ट आ रहा है या नहीं, डॉलर इफ कंडीशन में चेक करेंगे कि ये ट्रू है या नहीं। इफ डॉलर RES माने कि हमारा ये क्यूरी रन करता है, मतलब डाटा इंसर्ट होता है तो हमें एक मैसेज प्रिंट हो, इको सेमी कॉलम डाटा इंसर्टेड, डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, सक्सेस FULLY। अगर ये इंसर्ट होता है तो ये मैसेज आएगा, लेकिन अगर ये डाटा इंसर्ट नहीं होता है, ये तो इफ कंडीशन है यानी कि ट्रू हुआ तो ये, अगर फॉल्स होता है, अगर इंसर्ट नहीं होता है तो इस कंडीशन में हम क्या प्रिंट हमें होगा, इको क्या प्रिंट कराएंगे, डाटा नॉट इंसर्टेड, डाटा नॉट इंसर्टेड, प्लीज ट्राई अगेन, प्लीज ट्राई अगेन, ठीक है, ये मैसेज शो होगा। अब चलिए देखते हैं क्या होता है। हमारा ये क्यूरी पूरा कंप्लीट हो गया, आपको मैंने बता दिया यहाँ से क्यूरी कंप्लीट हो गया। अब हमारे यहाँ पे आते हैं, अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को, ठीक है। अब हमने यहाँ पे नाम दिया प्रदीप, ईमेल आईडी मैंने कुछ भी दे दी, xyz@gmail.com .com, या फिर यहाँ पे हम प्रदीप ही लिख देते हैं, ठीक है। और पासवर्ड मैंने 1 2 3 4 5 दे दिया, और ये वेब डेवलपमेंट मैंने ऑलरेडी पहले से चेकबॉक्स पे क्लिक है। अब हम डाटा सबमिट करते हैं, तो आप देखिए क्या आ रहा है, डाटा नॉट इंसर्टेड प्लीज़ ट्राई अगेन, यानी कि हमारा जो ये क्यूरी है इसमें कोई इशू आ रही है, यहाँ पे डाटा इंसर्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वैल्यूज होता है, यहाँ वैल्यू नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पे ये गलती हो रही थी, यहाँ वैल्यूज होता है, मैं हो गया था, ठीक है। दोबारा से जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, फिर यहाँ पे डालते हैं प्रदीप, यहाँ पे चेंज करते हैं gmail.com 2 3 4 5, ये वेब डेवलपमेंट, अब सबमिट करते हैं। अभी भी इशू आ रही है, डाटा नॉट इंसर्टेड, अभी भी कोई ना कोई इशू आ रही है, देखते हैं क्या इशू आ रही है। पासवर्ड डिपार्टमेंट फील्ड है, एक बार अच्छे से चेक कर लेते हैं, यहाँ तक तो डाटा आ रहा है, कनेक्शन भी हो रहा है, ठीक है, कनेक्शन में कोई इशू हो रही होगी। माई एसक्यूएल आई क्यूरी इंसर्ट इनटू, एक बार टेबल का नाम फिर से चेक कर लेते हैं, डाटा को यूजर्स इंसर्ट इनटू यूजर्स, डाटाबेस हमने EMS ही रखा है, ठीक है, इंसर्ट इनटू यूजर्स, तो यूजर फिर यूजर एक्ट जो टेबल है वो डिफाइन किया हमने, ठीक है, यूजर आईडी, यूजर अंडरस्कोर आईडी, नेम नेम, ईमेल EMAIL ईमेल, पासवर्ड PAWS पासवर्ड, डिपार्टमेंट डिपार्ट DEPART MENT डिपार्टमेंट, ये भी सही जा रहा है, वैल्यूज भी जा रहे हैं, नेम ईमेल पासवर्ड डिपार्टमेंट, इशू कहाँ आ रही है, द्वारा हमारे क्यूरी यहाँ पे फिनिश हुआ, यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे बंद हुआ, यहाँ पे भी बंद हुआ, माई स्कूल आई अंडरस्कोर क्यूरी, ये तो सही है, एक बार फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं, अभी भी इशू है,
ना कहीं कुछ ना कुछ तो इशू हो रही है, एक बार इनको हटा के देखते हैं, शायद इनकी इशू आ रही हो। उसे आनी तो नहीं चाहिए बट हो भी सकता है आ रही हो, इसलिए एक बार चेक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंट्रोल सेव किया मैंने, कभी कभी इशू आ जाती है इस टाइप की, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सोचने की प्रॉब्लम नहीं की बात नहीं है। ठीक है, इंसर्ट, फिर PRADWP हमने डाला, पासवर्ड पे 1 2 3 4 5, अब हम सबमिट करते हैं। डाटा नॉट इंसर्टेड, प्लीज़ ट्राई अगेन। क्या इशू हो सकती है, ऐसा कुछ तो होना नहीं चाहिए। अब इसमें ही हम ये क्यूरी चला के देख लेते हैं, कोई बात नहीं, हम इस क्यूरी को रन करा के देख लेते हैं, डाटाबेस में डायरेक्टली रन करा के देख लेते हैं। अगर आपको कभी इस तरह की इशू है तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पर रन करा के देख सकते हो, पास करा के देख सकते हो कि आपकी क्यूरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। ठीक है, ये हमारा सही है। पासवर्ड यहाँ पे वैल्यूज मैं ले लेता हूँ जो हम इंसर्ट करा रहे थे, प्रदीप। उसके बाद ईमेल था, ईमेल हमने डाला था प्रदीप@gmail.com। उसके बाद पासवर्ड हमने डाला था 1 2 3 4 5। उसके बाद था हमारा डिपार्टमेंट, हमने डाला मान लीजिए SEO डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, ये तो हमारा इतना तक सही है। ओके दोस्तों, एक चीज़ आओ यहाँ पे, अब मुझे पता चल रहा है कि यहाँ इशू क्या है। यहाँ पे देखो, इन दोनों के बीच में स्पेस है, ये डिपार्टमेंट के बीच में यहाँ स्पेस हो गया था जिसकी वजह से ये इशू आ रहे, तभी मैं समझ नहीं पा रहा था क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अब हम दोबारा से वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, डालते हैं PRADWP, क्योंकि ये फॉर्म का नाम ही गलत हो रहा था फील्ड का, तो इस वजह से डाटा जा ही नहीं रहा था। अब सबमिट कराएंगे, अभी सबमिट नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे पता है क्या इशू है। मैं आपको वापस, हम इस पे चल करते हैं, ये जो हमने कॉमा हटा दिया था, कॉमा कर देते हैं हम यहाँ पे, जो भी स्पेस हमारा आया था उसको हम वापस रिमूव कर देते हैं, फिर सेव करते हैं। अब देखते हैं हमारा डाटा जाता है या नहीं जाता है। गए, मैं रिफ्रेश कर लिया पेज को, फिर हम दोबारा से जाते हैं प्रदीप RADWP, पासवर्ड 1 2 3 4 5, सेव किया। अब ये देखिए, डाटा इंसर्ट सक्सेसफुल हुई। अब हमारा डाटाबेस में अगर हम यहाँ चेक करेंगे तो हमारा डाटा इंसर्ट हो चुका होगा। ये देखिए हमारा डाटा, यहाँ पे जो भी हमने वैल्यू पास कराई, और यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये क्रिएटेड ऑन ऑटोमेटिकली, हमने टाइम स्टैम्प इसको सिलेक्ट किया था, तो टाइम स्टैम्प यहाँ आपने हमने दिया था ना, तो हमने यहाँ पे जो हम क्यूरी है यहाँ से हम कोई भी पास नहीं कर रहे, उसकी वैल्यू क्रिएटेड ऑन की, टाइम स्टैम्प डिफाइन किया था, इसी वजह से यहाँ पे ऑटोमेटिक आप देखोगे तो डेट और टाइम, जो करंट डेट और टाइम है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक इंसर्ट हो गया, जो सर्वर का हिसाब से चलता है, जो सर्वर का इस टाइम टाइम हो रहा होगा। ठीक है, हमारा लोकल सिस्टम का हो रहा होगा, क्योंकि देखिए 8/6/2017 और 1:05, 1:08 पे हमारा भी 1:09 हो रहा है, मतलब अभी थोड़ी देर पहले है, 1 मिनट पहले इंसर्ट हुआ डाटा। और टाइम भी देखिए 8/6/2017। तो इस तरह से डाटा इंसर्ट होता है, इंसर्ट मतलब हमारा जो फॉर्म की वैल्यू है ऐसे इंसर्ट हो रही है, ऐसे होते हैं। हमारी जो गलती थी वो आपको पता चल गया, यहाँ पे हमारा ये जो है स्पेस जा रहा था जिसकी वजह से ये इशू आ रहा था। तो प्लीज़ आप भी श्योर हो जाइएगा जब आप कहीं करें तो कहीं भी स्पेस ना हो। और दूसरी चीज़, यहाँ जब फील्ड लिखते हैं तो फील्ड को जो है, जो वैल्यू हम पास कराते हैं हमेशा कोटेज के अंदर कराते हैं, कॉमा के अंदर ही कराते हैं, ताकि एक स्ट्रिंग पास हो। ठीक है, इसीलिए इस चीज़ को बड़ा ध्यान से देखिएगा और कीजिएगा आगे। और एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ कि अभी डाटा तो इंसर्ट हो गया, बट आप यहाँ देखो पासवर्ड हमें विजुअल हो रहा है, मतलब 1 2 3 4 5, ये विजुअल मोड में है, मतलब हम इसको देख सकते हैं। तो अगर हमारे पासवर्ड कोई कोई देख सकता है, अगर मान लीजिए किसी के पास ये डाटाबेस का एक्सेस चला गया तो हमारे पासवर्ड को इजीली देख सकता है, और इजीली देख लिया तो हमारे सारे के सारे अकाउंट हैक कर सकता है या यूज कर सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम अपने पासवर्ड को इनक्रिप्ट करते हैं। अब बात आती है कि इनक्रिप्ट कैसे करते हैं, तो इनक्रिप्ट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता है दोस्तों, इसको हम एक बार डिलीट कर देते हैं इस फॉर्म को, या फिर इसको रहने देते हैं। ठीक है, अब उसके लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे जो आपका पासवर्ड जो आ रहा है यहाँ पे
उस पासवर्ड की वैल्यू को हम सिर्फ क्या करते हैं, MD5 कर देते हैं। MD5 फंक्शन है PHP का, जो क्या करता है आपके जो वैल्यू है पासवर्ड की उसको इनक्रिप्ट कर देता है ये। लेकिन आपको याद होना चाहिए, अपनी पासवर्ड भूल जाओगे तो फिर डाटाबेस से ही चेंज करना पड़ेगा या दोबारा से अकाउंट क्रिएट करना पड़ जाएगा अगर आपके पास डाटाबेस एक्सेस नहीं है तो। तो प्लीज़ इसको बी श्योर जो भी पासवर्ड डालोगे याद रखना है। अब इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है। अब दोबारा हम चलते हैं इस पे पासवर्ड पे, दोबारा से हम रजिस्टर फॉर्म में आए। अब दोबारा से रजिस्टर करते हैं, नेम मान लीजिए मैंने डाल दिया विकास, ईमेल आईडी vikas@gmail.com, ठीक है। पासवर्ड फिर मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5, ये मुझे याद है, मैंने इस टाइम डिपार्टमेंट वेब डेवलपमेंट लिया। अब सबमिट करते हैं, देखिए डाटा इंसर्ट से सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आएंगे तो आप देखिए इस बार जो मेरा डाटा पासवर्ड गया है, आप देखिए इनक्रिप्टेड मोड में है। आप इसे मेरा पासवर्ड 1 2 3 4 5 ही है, बट यहाँ पे एक स्ट्रिंग पासवर्ड, आप इसको देख के आप बता नहीं सकते हो कि आप इसका पासवर्ड क्या हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह जब आप पासवर्ड जो भेजते हो ना डाटाबेस से रजिस्टर कराओगे या रजिस्टर कराओगे तो हमेशा उसको MD5 करके ही डाटा को भेजोगे ताकि आपका इनक्रिप्ट मोड में जाए। तो हम ऊपर वाले जो है डाटा है वो भी है ये भी है। अब दूसरी चीज़ यह है कि हमारा यहाँ पर इंसर्ट तो हो गया, जैसे इंसर्ट हो गया अब ये चाहते हैं हम कि जैसे इंसर्ट हो गया ये वापस रिडायरेक्ट कहाँ हो जाए, हमारा मेन वाले पेज पे हो जाए। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए छोटा सा है, या तो यहाँ पे सीधे यहाँ इंसर्ट हो गया, यहाँ पे एक फंक्शन होता है PHP का हेडर, हेडर फंक्शन होता है। हेडर फंक्शन में जैसे इसमें क्या होता है, एक सिंगल कोटेज के अंदर आपको लिखना होता है लोकेशन, LOCATION, लोकेशन का L जो होगा कैपिटल होगा, और ये सेमी कॉलम तो नहीं है, ये डबल कोटेज कॉलम है, इसको लगाते हैं, और जिस URL पे रिडायरेक्ट कराना है उसका नाम दे देते हैं। तो हमारा जो फाइल, हमारे पास जो फाइल है इस टाइम हमारा है EMS में जाते हैं, EMS में हमारा रजिस्टर फॉर्म पे हम जाते हैं दोबारा से रिडायरेक्ट करा लें। तो इस फॉर्म का नाम कॉपी कर लेते हैं और सीधे हम यहाँ पे इस पेज का नाम दे देते हैं और सेव कर देते हैं। तो इसमें क्या होगा, अब डाटा जैसे ही इंसर्ट होगा वापस हमारे इसी फॉर्म पे आ जाएगा इंसर्ट होने के बाद। अब यहाँ पे मैंने मान लीजिए कुछ दिया XYZ, टैब में XYZ@gmail.com, ठीक है। पासवर्ड फिर मैं वही देता हूँ 3 4 5। अब वेब डेवलपमेंट मैंने दिया फिर से, या SEO कर देते हैं इस बार, और सबमिट करते हैं। अभी देखिए डाटा हमारा पेज वापस इसी पेज पे आ गया, बट यहाँ पे डाटा सबमिट हो गया होगा। ये देखिए डाटा यहाँ सबमिट हो गया, बट हमने यहाँ क्या किया है, यहाँ पे हमने हेडर डिफाइन कर दिया, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही डाटा सबमिट होता है यहाँ पे चला आता है, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पे तो चला आया, अब हमें यूजर्स को कैसे पता चल रहा है कि डाटा इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ है, ये कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए भी ऑप्शन है, उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले उसके लिए आपको सेशन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आप सेशन का यूज कैसे करते हैं, अगर आपने सेशन की नॉलेज नहीं है तो आप कैसे यूज करो। सेशन यूज करने के लिए कुछ नहीं होता है, सबसे पहले हमें यहाँ क्या होता है, एक ऊपर सबसे ऊपर हमें सेशन स्टार्ट करना होता है। सेशन स्टार्ट करने के लिए क्या होता है, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट फंक्शन, ये फंक्शन को हमें बस लिखना होता है, ये ऑटोमेटिकली सॉरी स्टार्ट START स्टार्ट, ये सेशन अंडरस्कोर ऑटोमेटिकली इस फंक्शन से सेशन स्टार्ट हो जाता है। और इस वैल्यू को जो डाटा इंसर्ट हो रहा है हम इसको एक सेशन में डाल देंगे, जैसे अगर सक्सेस होता है तो हम एक सेशन में इस वैल्यू को डाल देते हैं। उसके लिए सेशन में वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं उसके लिए ये लिखना होता है, ये हमारा डॉलर अंडरस्कोर सेशन कैपिटल में और कोटेशन मतलब ये बड़े ब्रैकेट, उसके अंदर में हमें वैल्यू मतलब नेम डिफाइन करना होता है। इसके लिए मान लीजिए सक्सेस हम डाल देते हैं, ये डबल S सक्सेस, इसको हम कैपिटल में नहीं स्मॉल में डालते हैं, ठीक है। CUCCE SS सक्सेस डाला और फिर इस वैल्यू को इसमें स्टोर करा देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही डाटा इंसर्ट होगा ये वैल्यू हमारा सेशन की जो ये वेरिएबल है इसमें इंसर्ट हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी इस पेज पे। अब इस पेज पे भी हमें ऊपर क्या करना होगा, सेशन स्टार्ट करना होगा। उसके लिए हमें सबसे ऊपर HTML से ऊपर हमें एक PHP टैग ओपन करना होगा, ये PHP टैग ओपन करने का तरीका है, ये बंद करने का तरीका है, यहाँ पे सेशन स्टार्ट करना होगा।
सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। दोस्तों अगर सेशन की नॉलेज नहीं है आपको कैसे स्टार्ट हो रहा क्या हो रहा, तो सबसे पहले आप एक बार सेशन कैसे जनरेट करते हैं, कैसे स्टार्ट होता है, इसके बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो। अभी हमारा सेशन स्टार्ट है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा फॉर्म के ऊपर हम चाहते हैं कि जैसे ही हो यहाँ पे डाटा यहाँ पे मतलब या फिर इसके साथ शो हो जाए कि हाँ हमारा वैल्यू इंसर्ट हो गया, तो उसके लिए या फिर इसके नीचे ये हमारा है जो हम यूज कर रहे हैं, इसके नीचे मैं चाहता हूँ कि मेरा शो हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा पीएचपी टैग ओपन करूँगा। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे इफ सेट हम चेक कराएंगे, इफ इस सेट का मैंने बता दिया क्यों यूज करते हैं, हम चेक कराने के लिए करते हैं कि ये वैल्यू जो है वो सेट है या कि नहीं, मतलब वैल्यू ब्लैंक तो नहीं है। अब इसमें हम चेक कराएंगे इफ इस सेट क्या हमारा इसमें क्या हमने दिया था, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, इफ इस सेट फंक्शन होता है, इसके अंदर हम चेक कराएंगे अपना सेशन की वैल्यू को जो हमारा वहां से डॉलर से सेशन आ रहा है, यहाँ आ रहा है ना कैपिटल में SSEESSION, हमने क्या नाम दिया था उसके आगे सेशन कोटेज में एक बार देख लेते हैं, हमने दिया था यहाँ पे सक्सेस। अब हम देखेंगे यहाँ पे सक्सेस है, अब यहाँ सेट है इस चीज़ को, तो हमें क्या होगा यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जानी चाहिए, यानी कि यहाँ पे हमें वैल्यू इको होनी चाहिए, कौन सी ये वैल्यू जो हमारा वहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, हम इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे यहाँ पे कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी और यहाँ सेमी कॉलम बंद। तो अब क्या होगा जो वैल्यू होगी वो अब यहाँ पे शो हो जाएगी, जैसे रिडायरेक्ट होकर इस पेज पे आएंगे और यहाँ पे हमारी वो वैल्यू भी साथ ही साथ आएगी। अब यहाँ रिफ्रेश करते हैं, पेज हमारा रिफ्रेश हो गया, अब हम वैल्यू नाम देते हैं, सपोज हम दिए अभिषेक, HE के अभिषेक हमने दिया, ईमेल आईडी भी दे देते हैं अभिषेक अभिषेक एट द रेट gmail.com। ठीक है, पासवर्ड वही रखते हैं हम अपने हिसाब से 1 2 3 4 5, डेवलपमेंट ये रहता है, सबमिट करते हैं। अब ये देखिए जैसे ही डाटा इंसर्ट हुआ आपको यहाँ पर मैसेज आ गया कि डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, यहाँ पे आपको मैसेज मिल गया, पेज भी रिडायरेक्ट, डाटा भी इंसर्ट हो गया यहाँ पे, आप देखोगे तो अभिषेक का डाटा भी इंसर्ट हो गया हमारा, पेज भी रिडायरेक्ट वापस आ गया और हमें अब मैसेज भी मिल गया। तो इस तरह से दोस्तों हम रजिस्टर पेज पे हम अपना कंप्लीट हो गया आज हमारा, रजिस्टर पेज कैसे इंसर्ट कराते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि रजिस्टर पेज हम कैसे वर्क करा रहे हैं, कैसे हम यहाँ पे डाटा इंसर्ट करा रहे हैं और सेशन को ऊपर स्टार्ट करके हमारा जो सक्सेस वैल्यू है उसको हम एक सेशन वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं, और इस सेशन वेरिएबल में स्टोर कराने के बाद क्या कर रहे हैं, जैसे ही डाटा इंसर्ट हो रहा है वेरिएबल स्टोर हो रहा है इस पेज को वापस रिराइट करा दे रहे हैं हम रजिस्टर पेज पे, और यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर ये इंसर्ट है मतलब ये जो भी है हमारा सेशन इस सेट मतलब हमारा सेशन वाकई में बना है या वैल्यू है इस सेशन में, तो यहाँ पे वो वैल्यू शो हो जाए और हमारा मैसेज प्रिंट हो जाए। तो अब ये देखिए यहाँ पे शो हो गया और मैसेज हमारा प्रिंट हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हमारा काम करता है रजिस्टर पेज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर नीचे कमेंट बॉक्स जो है हमारा नीचे वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो वो भी आप कमेंट कर दीजिए। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है info@tutorials.com। आप हमें इस ईमेल आईडी पे अपनी क्यूरी मेल भी कर सकते हैं, हम आपको पूरा जवाब देंगे। और दोस्तों अगर ये आपको ट्यूटोरियल पसंद आया, अगर आपको इससे नॉलेज मिले तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इस चीज़ की नॉलेज को प्राप्त कर सकें और वो भी कोडिंग स्किल्स को अच्छे से समझ सकें। और अगर आप हमें चाहते हैं कि हमारा जो भी आने वाला लेटेस्ट वीडियो हो, जो भी आगे का वीडियो हम अभी जैसे लॉगिन कैसे कराएंगे, फिर और भी जो भी प्रोजेक्ट के बाकी जो पार्ट्स हैं वो वीडियो आपको मिलता रहे, उसके नोटिफिकेशन मिलता रहे, उसकी जानकारी मिलती रहे, तो प्लीज़ उसके लिए सबसे पहले आप सब्सक्राइब बटन पर जाएँ, यूट्यूब जैसे आप देखो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा वहाँ पर सब्सक्राइब करें बेल आइकन पे, और जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं उसके बाद बेल आइकन होता है, जैसे हमारा यूट्यूब पे आप जाएंगे, आप यूट्यूब पे जाइए, अगर आपको नहीं पता आप youtube.com पे जाएंगे, youtube.com पे जाने के बाद आपको करना क्या है, आपको हमारा चैनल यहाँ टाइप करना है, हमारा चैनल है ट्यूटोरियल्स ट्यूटोरियल्स
वेबसाइट के नाम से ही यहाँ भी हमारा चैनल है, आप इसको सबमिट करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे नीचे आपको नीचे आएंगे वहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा आपको ट्यूटोरियल बेस का पूरा चैनल सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप हमारा यहाँ से कोई भी वीडियो देख सकते हैं, कोई भी वीडियो पे जितने सारे हमारे यहाँ पे प्ले लिस्ट भी हमारा है, आप सपोज आप कोई भी वीडियो इसको क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको करना क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे जो सब्सक्राइब बटन है यहाँ पे जो है यहाँ पे सब्सक्राइब हो चुका है अभी मेरी ईमेल आईडी से, अगर आप है तो यहाँ पे आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको ये नोटिफिकेशन भी मिलता रहे, आपको नोटिफिकेशन भी हमारा मिल, तो आपको लिए उसके लिए क्या यहाँ जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे बेल आइकन पर क्लिक करेंगे आपको जब भी हमारा लेटेस्ट वीडियो इंसर्ट होगी उसकी आपको जानकारी मिलती रहेगी और उसके नोटिफिकेशन आपको आ जाएंगे। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ज़रूर क्लिक करें। साथ ही साथ अगर आपको हमारे और भी वीडियोज या फिर जो नहीं है या फिर आपको डाटा चाहिए, सपोज आपको हमारे जो एडवांस ट्यूटोरियल्स है उसकी जानकारी चाहिए, तो आप उसके लिए अपने ब्राउज़र में ट्यूटोरियल वेबसाइट डॉट कॉम टाइप कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ये टाइप करेंगे हमारा जो वेबसाइट है ट्यूटोरियल्स से रिलेटेड जितने भी हमारे जो भी ट्यूटोरियल्स अब तक के हैं या फिर जो हमारा एडवांस ट्यूटोरियल्स है जो बेसिक से नहीं है, अगर आप बड़े लेवल पे काम करते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी ट्यूटोरियल्स हमारे हैं आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। इसमें काफ़ी सारे मेरे ट्यूटोरियल्स हैं, जैसे एरे लिस्ट अगर आपके पास है तो उसको हम डायरेक्ट PHP कोड से कैसे XML की फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे अपने जीमेल के जितने भी कॉन्टैक्ट हैं उसको अपने PHP कोड के थ्रू अपने जो भी पेज है उस पर गेट कर सकते हैं, XML के डाटा को कैसे डाटाबेस में इंसर्ट करा सकते हैं। इस तरह से काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स हैं, आपके यहाँ पे देखोगे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे डाटा, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी हम क्या है हमारा पर डे बेस पे जितना भी ट्यूटोरियल का वीडियो है वो सारा अपडेट होता है। उसके लिए आपको करना क्या है, फेसबुक आपको facebook.com पे जाना है, आपको लॉगिन करना है अपने फेसबुक आईडी में और स्लैश ट्यूटोरियल वेबसाइट ट्यूटोरियल्स वेबसाइट सर्च करनी है, वहाँ आपको आपको आ जाएगा और वहाँ पे आप वहाँ पे लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं या फिर हमारे वेबसाइट पे आकर भी आप यहाँ पे आपको पेज में ही मिल जाएगा लाइक अनलाइक करने का, यहाँ से भी आप लाइक अनलाइक करके फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे यहाँ पे भी वीडियो देख सकते हैं, जैसे ये भी हमारा लेटेस्ट वीडियो जो भी हमारा डाटा इंसर्ट हुआ है, जो भी हमने पेज पे डाटा डाली है उसका हमारा वीडियो आपको यहाँ पे वीडियो भी दिख रहा है, आपको डाटा भी दिख रहा है, तो इस तरह से आपको सारा लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों प्लीज़ आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए हमारा जो है TWITER tutor.com / गुरुजी ट्यूटोरियल्स, गुरुजी ट्यूटोरियल्स ट्यूटोरियल्स इस पे जाके आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आज का हमारा जो इंसर्ट रजिस्टर कैसे कराते हैं, जो भी हमारा आपको क्यूरी है वो पूछ सकते हैं, और क्योंकि हमारा आज का जो ये ट्यूटोरियल्स था रजिस्टर कराने का इंसर्ट कराने का वो हमारा ख़त्म हो चुका है, हर तरीके से मैंने बता दिया कैसे इंसर्ट कराते हैं, कैसे हम सक्सेस डाटा को अपने रजिस्टर पेज पे भेजते हैं और कैसे हम इसको रिडायरेक्ट कराते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अब कल हम जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम देखेंगे कैसे हम लॉगिन करते हैं, कैसे हम उसकी वैलिडेशन करते हैं और इंसर्ट कराते हैं, आगे की वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।